मैडम ये बिहारी लिट्टी चोखा है, एक बार खाइए तो बार बार आइए। स्वागत है दोस्तों आप सबका खाना इंडिया का नए एपिसोड में। तो भाई हमने लिट्टी चोखा सुना तो बहुत ही था लेकिन खाया कभी नहीं, तो आज चलिए ट्राई करते हैं। तो चलिए बात करते हैं भैया से कि कैसे बनता है, इसमें और क्या क्या चीजें पड़ती है, और यहाँ का एग्जैक्ट लोकेशन और टाइमिंग जानते हैं कि किसका आटा रहता है भैया। ये किसका आटा? गेहूं का आटा। और इसके अंदर जो आप भर रहे वो चने का सत्तू है? चने का सत्तू है। मैडम ये बिहारी लिट्टी चोखा है, एक बार खाइए तो बार बार आइए। ठीक, इसमें जो है बैंगन आलू तीनों मिक्स रहते हैं, और मिक्स का चोखा बनता है। उसके बाद मेरे पास टमाटर की चटनी, लहसुन की चटनी, हरी धनिया मिर्ची की चटनी, ये सारी सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। और देसी घी में लगा के शुद्ध घी में दिया जाता है। अच्छा, और क्या रहता है एक प्लेट का प्राइस? एक प्लेट का प्राइस मैडम 30 रुपए। अच्छा, और यहाँ का एग्जैक्ट लोकेशन हमें बता दीजिए। ये लोकेशन है GSITS कॉलेज, रानी सती गेट, वाइन रोड, इंदौर। ओके, तो इसे पकने में कितना टाइम लगता है अंकल? इसको पकने में मैडम कम से कम नहीं तो मान के चलो कि 10 मिनट। 10 मिनट में रेडी हो जाता है? हाँ, रेडी हो जाता है। और कितने टाइम से आप यहाँ पे लगा रहे हो अपना ठेला? यहाँ पे मैडम हमको हो गए 8 साल। तो मैं शुरू में 10 रुपए प्लेट में बेचता था, लिट्टी चोखा कोई जानता नहीं था। अच्छा, खाली लोग बाग ये पूछते थे क्या बनाते हो, क्या बनाते हो, क्या भरते हो, कैसे क्या करते हो, पूछ पूछ के मेरा माथा दुखा देते थे। कोई खाता नहीं था, दिन भरे में 5 प्लेट बेचता था। आज मैं समझ लो 40-45 प्लेट बेच देता हूँ। और टाइमिंग्स क्या है आपके? टाइमिंग मेरा है 11:30 से 8:30। अच्छा, ठीक है। ये मेरा वाइनर है, मेरा नाम है फोटो खींच लेना। ये मेरा यादव, मोबाइल नंबर 73-88-40-33। तो आप इंदौर से हो कि इंदौर के बाहर से? नहीं मैडम, मैं इंदौर के बाहर, बनारस। बनारस से है, तो वहाँ का टेस्ट अभी यहाँ सबको खिला रहे हैं। जी मैडम, वहाँ का टेस्ट जो है बिहार का टेस्ट यहाँ सब लोगों को खिला पाऊँ। और पसंद आ रहा है सबको? जी मैडम, पसंद आ रहा है। उसके बाद में आनी देखो आपकी प्लेट लगा रहे हैं, उसमें आपको बैंगन का पहले चोखा देंगे और फिर लिट्टी उठाएंगे, उसके बाद घी में डालेंगे। तो उसने आपने तोड़ लिया है? उसे ऐसे आपने पछाड़ा क्यों? पछाड़ने से जो है इसकी आंच जो है अंदर तक बैठ जाती है, तो लिट्टी कच्ची नहीं रहती। अच्छा, बात तो समझिए, जैसे ये लिट्टी है अंदर तक इसमें आंच बैठी हुई है। तो मैडम को लगा कि चलो भैया एक प्लेट आइसक्रीम बना के। देसी घी होता है? हाँ, देसी घी होता है मैडम। ये लो, लगा दो, देखो ये है। आगे दबा दो यार, दबा के दे। ये सर है चोखा। ये चोखा? हाँ मैडम, चोखा का भी फोटो खींचो। और ये टमाटर की चटनी, धनिया और हरी मिर्ची की चटनी, और ये क्या कहते हैं लहसुन की चटनी, ये ठेसा ठेसा इसको बोलते हैं लाल मिर्ची को। तो आप देख सकते हो ये बनके रेडी हो चुकी है, और इसमें जो चोखा आता है वो बनता है बैंगन और टमाटर से। तो अगर ये देखकर आपके भी मुंह में पानी आ गया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये जो आप देख रहे हो वो है लिट्टी, और इसे कहा जाता है चोखा। तो चलिए अब हम ट्राई करते हैं और टेस्ट में बताते हैं कैसा। बहुत ही गर्म है तो थोड़ा ले लिया है मैंने चोखा। ये अंकल की टमाटर की स्पेशल चटनी और ये लहसुन की चटनी। बहुत ही बढ़िया लग रहा है,
मैंने आज तक कभी नहीं खाया। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ पर मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। अगर आपने ये नहीं खाया तो क्या खाए, ये खाने के लिए आ जाओ यहाँ। तो ऐसे ही भारत के अलग अलग कोने के यूनिक खाने के वीडियोस को देखने के लिए खाना इंडिया का पेज को फेसबुक पर लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और अभी तक आपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।